बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर वन है। एक दो स्टूडेंट ने मैसेज भी किए हुए हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले, देर आर टू सर्कल्स, वन लाइन ए ई इज पासिंग थ्रू बोथ सर्कल्स ऑफ सेंटर। तो जो दोनों सेंटर में से ये लाइन गुजर रही है, इट मीन्स हम कह सकते हैं ए सी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉल सर्कल एंड सी ई इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। अब बेटा, जो बेसिकली उसने हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी कि इसका ये वैल्यू है, 30 डिग्री एंगल है, 40 है या 50 है या कुछ है। सबसे पहले वो कहता है फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंगल डी सी वाई। डी सी वाई, वी आर गोइंग टू फाइंड एंगल डी सी वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब डी सी वाई अगर हम मार्क करते हैं तो वो बच्चों ये वाली वैल्यू बन जाती है जिधर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब इट्स वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। बेटा अगर हम देखें, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। तो अब देखें, अगर गौर करें आप लोग, तो ये जो सी ई है, दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। अगर मैं इस एंगल की टोटल की बात करूं तो ये 90 डिग्री बनना चाहिए एंगल सी डी ई। रीजन क्या लिखनी है, अगर सी डी ई के लिए लिखनी पड़े, एंगल सी डी ई इक्वल 90 राइट एंगल इन सेमी सर्कल। बच्चों ये हम रीजन दे सकते हैं, अगर रीजन पूछता है मे बी सम टाइम इस तरह करता है कि 3 मार्क्स का पार्ट वो दे देता है। तो कहता है जी शो योर वर्किंग या राइट डाउन द ऑल प्रॉपर्टीज और जो भी कहता है जी रीजन लिखें, तो फिर हमें ये चीजें लिखनी पड़ती हैं। अब अगर ये एंगल सी डी ई ये बच्चों 90 डिग्री बनता है, तो इतनी सी वैल्यू आ गई हमारी एक्स। It means the value of this angle CDY it will be 90 minus x degree। हम इसको ये mark कर लेंगे 90 minus x, total 90 होगा, 90 में से x हमने subtract कर दिया। अब एक और चीज देखें, गौर करें कि YD and YC both are the radii of the same circle। तो बेटा जब radius हम draw करते हैं किसी भी circle के, तो उन सब की length जो है वो same होती है। इसका meaning है कि ये जो ट्रायंगल बनी है YDC या आप कह लें YCD, इसको हम बोलेंगे दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटे जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है तो उसके बेस एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो वी कैन से दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम, क्योंकि दीज आर द बोथ एंगल्स ऑफ द सेम बोथ एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे इसको डी सी वाई इक्वल 90 माइनस एक्स डिग्री, सिंपल हमने लिख लेना है। अगर ये भी 90 माइनस एक्स है तो इसको भी 90 माइनस एक्स ही होना चाहिए। तो अगर प्रॉपर्टी बेटा लिखनी है तो लिखेंगे